कहानी की शुरुआत में ली नाम का एक लड़का को दिखाया जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था, तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। जब ली को होश आता है तब वो अपने आप को माली नाम की एक लड़की के अंदर पाता है, मतलब उसका आत्मा अब माली के अंदर है। तभी उसे उसका टीचर मिस्टर आन बुलाता है, माली से एप्लीकेशन मांगता है। तभी उसे अचानक से उल्टियाँ होने लगता है, जाके लड़कों की वॉशरूम में जाके उल्टियाँ कर रही थी क्योंकि ली अभी भी अपने आप को लड़का ही समझ रहा था। इसके बाद माली इस कॉलेज की दीवारों से भागने की कोशिश कर रही थी और वो गिर जाती है। तभी वहां पर माली की दोस्त कली आती, माली उसे पहचान नहीं पाती, क्यों ना ली उसके अंदर है। उसके पास में प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है। कली उसे कहती है, इसे ऐसे लेके क्यों घूम रहे हो। इस बात पे माली कहती है, ये प्रेग्नेंट है। इससे कली चौंक जाती है। इसके बाद माली कली को कहती है, मैं लड़का हूँ और अपने पास्ट लाइफ के बारे में कुछ याद नहीं। शुरू शुरू में कली को लगा पागल हो, आखिर में वो कली माली के बात पे भरोसा कर लेती है। के बाद अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए एक ज्योतिषी के पास ले जाती है। माली के अंदर एक लड़का है, उस बात का भरोसा नहीं करता ज्योतिषी, बहुत गुस्सा करता है और उन दोनों को यहाँ से भगा देता है। तुमने मेरा हाथ थमा और हम दोनों इतना करीब आ गए। इसके बाद माली कहती है, मैं एबॉर्शन कराऊंगा, कह के यहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन टर्न होके माली को एबॉर्शन सेंटर दिखाया जाता है। बच्चा गिराने वाली थी तभी उसे सर में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, ली एक रियलिटी शो में जज है। यहाँ पर यूना आती है गाने की ऑडिशन देने और वो बेहोश हो जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट में आता है। यूसुफ आके माली को किस करता है और तभी माली को होश आता है और वो यहाँ पे कैसे आई उसे कुछ याद नहीं, मतलब ली अब इसके शरीर से निकल गया था। अब ली का आत्मा डिटेक्टिव पार्क के अंदर आ जाता है। रात को पार्क के ऑफिस का एक लड़का उसे घर जाने को कहता है क्योंकि वो कुछ दिनों से घर नहीं गया। इसके बाद ली उसका पर्स से एड्रेस देख के घर जाता है। वो घर के अंदर देखता है एक औरत एक बच्चा को लेके सो रही थी, वो पार्क का बीवी बच्चा है। इसके बाद वो फ्रिज से कुछ खाना खा रही, तभी वो बच्चा आ जाता है और उसे कुछ खाने को देता है। वो बच्चा पार्क से पूछता है, मुझे पता चला आप डिवोर्स लेने वाले हो। इससे ली सोचता है, मैं कहाँ आके फंस गया, पहले प्रेगनेंसी का चक्कर अब डिवोर्स। इसके बाद वो वॉशरूम में जाके कली को कॉल करके अगले दिन सुबह उठ के देखता है पार्क के हाथ के साथ उसकी बीवी का हाथ में हथकड़ी लगा रखा था, शायद वो बच्चा ने ही किया होगा। उसकी बीबी पार्क को लेके जा रही थी वो बच्चा के स्कूल में क्योंकि उसके पास हथकड़ी खोल पीछे भागने लगता है। इससे सड़क के मेन होल में गिर जाता है। ली आग बंद करने को कहता है, ली उसे किस करने की कोशिश करता है, शायद वो इसके बॉडी से निकल जाए। इससे पार्क की बीमारी के बारे में कहती, जिससे ली का फ्लैशबैक वाला सीन के बारे में याद आता है। यून को जब होश आया, इसे भी ये बीमारी है जिससे स्टेज में नर्वस होके स्टेज में बेहोश हो जाती है। बाद प्रेजेंट में ली पार्क की बीवी से पूछता है, डिवोर्स क्यों देना चाहती हो। असल में पार्क उसको टाइम नहीं देता, घर नहीं आता। इससे ली सोचने लगता है, ये तो टीनेजर से भी बुरा हाल है। इसके बाद ली पार्क की बीवी से माफ़ी मांगता है। तभी अचानक से पानी आने लगता है। पार्क की बीवी सॉरी बोल के किस करता है। अब वो माली का टीचर मिस्टर आन के शरीर में आ जाता है। वो जाके कली को पूछता है, तुम किसी एबॉर्शन सेंटर में गई थी। कली कहती है, मैं अपने लिए नहीं किसी और के लिए, उसका नाम नील बताऊं, इसी शरीर में आ गया तो बस तुम्हें परख रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर आन के फोन में किसी लड़की का मैसेज आता है, उस लड़की से मिलने जाता है। बातों ही बातों में वो लड़की आन के घर जाता है, वो दोनों ड्रिंक कर। इसके बाद वो लड़की यहाँ पर ही सो जाती है। इसके बाद ली उसकी बैग से सेल्स का एक कागज मिलता है, ये सेल्स के लिए इसके साथ है। इससे ली को बहुत बुरा लगा। अगले दिन वो दोनों खाना खाते वक्त वो अपना गलती एक्सेप्ट करती है, वो कॉफी की तवे सेल्स करती है आन के साथ। वो अब मिस्टर आन को प्यार करने लगी। इसके बाद वो आन को किस करती है। इसके
इसके बाद ली का आत्मा एक बुरी औरत के शरीर में चला जाता है। इससे ये तो पता चल गया, जब दो लोग मिल जाता है तब ली का आत्मा बुरी औरत कई सालों से मेंटली डिस्टर्ब हो रखा था। उसे अपने हस्बैंड, बच्चा, ये सब कुछ याद, बस ये याद है वो बूढ़ा आदमी उसका पहला प्यार है। जाके कली को कॉल करके इस हॉस्पिटल में बुलाता है और कली को कहता है, मेरा नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं कुछ लेके श्योर हूँ। इससे कली कहती है एक आदमी म्यूजिक ऑडिशन का जज, इसके बारे में सर्च करूँगा। इसके बाद कली म्यूजिक ऑडिशन के जगह में जाती है, एक आदमी से पूछती है, क्या आप जो है वो ही है आप? ऐसे अजीब औरत बनी ली उस बूढ़ा आदमी रहा था, तभी वो बूढ़ा आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, उसे डॉक्टर के पास ले कर रहा था। अगले दिन ली जाके उस आदमी को कहता है, तुम मेरे हस्बैंड हो, सब याद आ गया मुझे। इसके बाद वो आदमी अपना आखिरी सांस लेता है, वो औरत भी अब ठीक हो गई। ली का आत्मा अब उसका दोस्त के अंदर आ जाता है। इसके बाद एक सीन को दिखाया जाता है, तभी लोग था उनके शरीर में जा रहा था ली का आत्मा। प्रेजेंट में ली अपने घर जाके एक रिंग और एक सॉन्ग का लिरिक्स कली को देता है यून को देने के लिए। कली यून को ये गिफ्ट देती है। ली उस सॉन्ग को ऑडिशन में गाने को कहा था और ली पियानो बजाएगा, मतलब ली यून को कहता है, तुम गाना गाना और मेरा दोस्त के खातिर मैं पियानो बजाऊंगा। इससे यून मान जाती है। अगले दिन यून अच्छे से ऑडिशन देती है और अपने पास्ट के बारे में याद करती है, जब ली यून को प्रपोज किया। इससे बीच ली का आत्मा उसके दोस्त के बॉडी से निकल के अपने बॉडी में चला जाता है। यहाँ से सीन टर्न होके कुछ साल बाद आके बैठता है और कली को कहता है, मेरी वाइफ यून के साथ बहुत खुश हूँ। इसी तरह से इस मूवी का एंड हो जाता है।